एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाई स्टाइल्स। सो ईद के बाद आफ्टर सो लॉन्ग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक न्यू ज्वेल कलेक्शन इन शाई स्टाइल्स ओरना के अंदर। सो मैं लेके आई हूँ जंक / ऑक्सीडाइज ज्वेल कलेक्शन, जिसके अंदर आपको बहुत सारी ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज मिल जाएंगी, नेकलेसेस एंड ईयर रिंग्स। जंक ज्वेलरी एक एक ऐसी ज्वेलरी है जो आप हर ओकेजन में पहन सकते हो एंड हर कोई इसे पहन सकता है, बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लेके आई हूँ बहुत ही अच्छे ज्वेलरी पीसेज इन शाई स्टाइल्स ओरना के अंदर। सो ये जितनी भी ज्वेलरी पीसेज हैं आपको मिल जाएंगी मेरी वेबसाइट पे। एंड यस गाइस, मुझे आप लोगों के साथ और भी एक बात शेयर करनी थी कि अब मैंने अपना खुद का एक ऐप भी क्रिएट कर लिया है जो कि आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे shaistyles.nam से। तो मेक श्योर अभी जाके उसे डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और आप अब और इजी तरीके से शॉपिंग कर सकते हो मेरे ऐप से, शाई स्टाइल से। सो या गाइस, उसका लिंक जो होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो कि आईफोन यूज करते हैं वो वेबसाइट से कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं उनके लिए भी जल्दी कुछ कर पाऊँ। सो अदरवाइज आप मेरी वेबसाइट से शॉपिंग कर सकते हैं। सो और इस बार आप मेक श्योर शिपिंग पॉलिसी, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी को अच्छे से ध्यान से पढ़ के ही ऑर्डर प्लेस करिएगा। सो जो पीछे थोड़ा सा ब्लंडर एंड मेस हुआ था वो इस बार नहीं होगा, मैं ट्राई करूँगी एंड थोड़ा सा उसके लिए अपोलोजाइज करती हूँ मैं गाइज, जिस जिसको भी फेस करना पड़ा था। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से ज्वेलरी पीसेज मैं लेके आई हूँ इस टाइम शाई स्टाइल्स ओरना में, और वो सारी जंक ज्वेलरीज हैं। तो सबसे पहले जो ज्वेलरी है वो मैंने इस टाइम पे वेयर की हुई है, ये कुछ ब्यूटीफुल सा झुमका, काइंड ऑफ अफगानी झुमका टाइप ऑफ है, और मैंने मोस्टली ट्राई किया है कि स्टड डिज़ाइन में हो क्योंकि मुझे इस तरीके से पसंद है। और इस तरीके से अगर आप पहनते हो तो अगर आपका ईयर का होल थोड़ा सा भी बड़ा है वो दिखता नहीं है और बहुत स्ट्रेची नहीं होता है, कम्फर्टेबल भी होता है पहनने के लिए। और लाइट वेट ज्वेलरीज भी मैं लेके आई हूँ, आई नो कि बहुत लोगों को हैवी ज्वेलरीज नहीं पसंद है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैं लेके आई हूँ। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, एंड मेक श्योर मेरे वेबसाइट को जरूर चेक करिएगा, मेरे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ऑलराइट, तो सबसे पहला ज्वेलरी पीस जो है इयररिंग है वो ये ब्यूटीफुल से हैं, जिसके नीचे आपको इस तरीके के स्टार हैंग कर रहे हुए हैं, और ये ग्रीन कलर के इसमें स्टोन का वर्क है, इसमें यहाँ पे पीकॉक डिज़ाइन बना हुआ है, काफ़ी लाइट वेट है। आई थिंक में दो कलर अवेलेबल हैं, ग्रीन वन एंड द ब्लू वन, सो आप वेबसाइट पर जब चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जितनी भी ज्वेलरी पीसेज हैं वो सारी की सारी अंडर 500 रुपीज़ हैं, एक तो होंगी जो ऊपर होंगी, अदरवाइज सारी की सारी ज्वेलरी पीसेज आपको अंडर 500 रुपीज़ मिल जाएंगी, 150 से स्टार्टिंग है, और क्या चाहिए। सो ये मेरा फर्स्ट ज्वेलरी पीस है। सेकंड जो है, और बाय द वे ये जर्मन सिल्वर है, तो इसमें मैंने काफ़ी सारी जर्मन सिल्वर की ज्वेलरीज रखी हैं जो कि काफ़ी अच्छी गुड क्वालिटी की सिल्वर होती है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, आपकी इयररिंग्स ख़राब नहीं होते, ब्लैक नहीं पड़ते, मतलब ऑलरेडी ये लुक उनका ऐसा होता है बट ख़राब नहीं होती हैं, स्टर्डी होती हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो एक हूप है, और ये भी बहुत ट्रेंडी है, तो मैंने ट्राई किया है थोड़ा सा डिफरेंट एंड डिज़ाइन में अच्छा सा लेके आऊँ। तो इन हुप्स में आप देख सकते हो इस तरीके का कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, और ये भी जर्मन सिल्वर है, इस तरीके के हुप्स हैं, आप बहुत अच्छे से इन्हें पहन सकते हो और बहुत सारे आउटफिट के साथ इनको पेयर कर सकते हो। सो आप देख सकते हो काफ़ी स्टर्डी है, थोड़े से एंगुलर शेप में दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट ये वाला पीस है। नेक्स्ट जो है वो मल्टी कलर के हैं, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा इन हैं, जिनमें छोटे छोटे से बीट्स लगे हुए हैं, इधर आप देख सकते हो स्टोन है, पर्ल का भी काम है, बीट्स का भी काम है, कुछ इस तरीके का है, एंड आई लाइक द डिज़ाइन सो मच। ओके, सो इस तरीके से कुछ है, आप इनको बहुत अच्छे से अपने सूट के साथ पहन सकते हो, एक स्टेटमेंट जंग ज्वेलरीज होती हैं ये, आजकल बहुत इन है, कलरफुल हैं, तो आपके बहुत सारे आउटफिट्स पर चली जाएंगी। तो नेक्स्ट वन इज दिस। ओके, नेक्स्ट जो है अगेन सेम इसी तरीके से कुछ है मल्टी कलर में, तो मैंने कुछ मल्टी कलर भी इस बार अपने इस जंग ज्वेलरी में इंक्लूड किए हैं, और बहुत जल्दी मैं बहुत सारी कलेक्शंस लेके आने वाली हूँ, लाइक स्टोर अंडर 99 भी आएगा। सो जो बहुत ही अफोर्डेबल ज्वेलरी पीसेस चाहते हैं उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और वेडिंग कलेक्शन भी आने वाला है, और कुंदन कलेक्शन भी मैंने वैसे अभी आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है कि बहुत जल्दी बैक टू बैक मैं कलेक्शंस लेके आऊँगी अपने शाई स्टाइल्स ओरना में, तो स्टे ट्यून्ड। सो नेक्स्ट वन इज़ दिस वन, में अगेन आपको मल्टी कलर के बीट्स एंड यहाँ पे भी बीट्स हैंग्ड है इस तरीके से, कुछ ही क्रिस क्रॉस डिज़ाइन में है, तो काफ़ी अच्छे से हैं, और ये जर्मन सिल्वर नहीं है जिसकी वजह से काफ़ी अफोर्डेबल में मिल जाएंगे आपको। सो या अदरवाइज ये भी काफ़ी सुंदर है, आप ज्वेलरीज को बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो।
ओके नेक्स्ट जो है वो एक ये बहुत ही सुंदर से यू नो अफगानी झुमके हैं, कुछ इस तरीके के हैं ये। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चार झुमके मिल जाएंगे, ब्लू कलर का बड़ा सा यू नो स्टर्ट मिल जाएगा इस तरीके से, और इसके साथ आपको मिल जाएगा ये चेन जिसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए हैं। अगर आप हैवी सूट पहन रहे हो, साड़ी पहन रहे हो, आपको पसंद है सो आप इस तरीके की इयर रिंग्स पहन सकते हो, अदरवाइज आप इसे रिमूव करके भी सिंपल आप इनको इयर रिंग्स की तरह पहन सकते हो, तो ये डिटैचबल होते हैं। सो इनमें दो कलर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ब्लू एंड ग्रीन। सो ये दो कलर ऑप्शंस हैं। सो या नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो एक झुमके हैं, ये थ्री लेयर झुमके हैं। सो यू गाइस कैन सी यहाँ पे आपको थ्री लेयर दिख जाएगा। सो मिड में एक झुमका है, साइड में ये प्योर जर्मन सिल्वर है। सो ये काफ़ी रिच लुकिंग इयर रिंग्स हैं जिसमें ब्लैक स्टोन्स हैं। सो इनके जो थ्री यू नो झुमके हैं उसकी वजह से इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है, और ये भी आपके बहुत सारे सूट और ड्रेसेस पे चल जाएंगे, और इनमें थोड़ी सी छनक भी है क्योंकि इनके में नीचे में आपको यू नो काफ़ी घुंघरू मिल जाएंगे, बहुत नीट एंड टाइडी इनका काम हुआ पड़ा है। नेक्स्ट जो है इससे मिलते जुलते हैं बट ये स्मॉल हैं, ये बहुत ही अफोर्डेबल 169 और 170 और 150 समथिंग कुछ का है ये, जिसमें अगेन सेम ब्लैक कलर के हैं और ये छोटा सा है, जिसको बहुत स्मॉल छोटे से एवरीडे काइंड ऑफ अ झुमके पसंद है सो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रहेगा इसके से। अगेन ये प्योर जर्मन सिल्वर है। और राइट नेक्स्ट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो भी बहुत ही सुंदर डिज़ाइन में है। सो ये आपको बहुत ट्रेंडी डिज़ाइन इस वेबसाइट पे आपको देखने में मिल जाएंगे जंग ज्वेलरीज में। यू गाइस कैन सी यहाँ पे लोटस का डिज़ाइन दिया है, देन छोटे छोटे से दो बहुत छोटी झुमकी हैं, एक और दो, और नीचे एक बड़ी सी झुमकी है जिसमें अगेन घुंघरू का काम हुआ है। सो ये टेसल डिज़ाइन में है और ये बहुत ही सुंदर है, देख सकते हो बहुत ही प्यारा है ये झुमका। सो या नेक्स्ट ये ज्वेलरी पीस है। नेक्स्ट जो है अगेन वो बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन के हैं, आप देख सकते हो इस तरीके कुछ हुप्स हैं ये, और उनमें टेसल्स हैं, नीचे छोटे छोटे से बीट्स का काम दिया है, ये भी प्योर जर्मन सिल्वर है जिसमें स्टोन आपको मिल जाएगा। ऑलराइट नेक्स्ट जो है इससे मिलते जुलता कुछ है पर ये काफ़ी हैवी है। सो इसमें आपको चार झुमके की डिज़ाइन मिल जाएंगी, तो ये प्योर जर्मन सिल्वर है और ये गोल्ड में है थोड़ा सा। सो मैं सिल्वर के साथ साथ गोल्ड भी लाई हूँ, जिनको गोल्ड लुक में पसंद है लाइक यू नो ब्रॉन्जी टाइप ऑफ, तो वो इस तरीके का कुछ पहन सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट परफेक्ट स्टेटमेंट पीस क्योंकि ये पूरा इयर रिंग को कवर कर लेगा और आपको दूसरा यू नो कोई ज्वेलरी पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ उस तरीके के हैं और मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, थोड़े से हैवी और बड़े से झुमके होने चाहिए। सी दिस आर सो प्रिटी और ये थोड़े से हैवी भी हैं, सो अकॉर्डिंग टू दैट इनका प्राइस थोड़ा सा ऊपर होगा। ओके नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो भी बहुत सुंदर से झुमके हैं। सो ये हैं सिल्वर में और कुछ इस तरीके के झुमके हैं ये, जिनमें आपको मीनाकारी भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको रेड एंड ब्लू मीनाकारी के साथ एक झुमका मिल रहा है, ये थोड़े बड़े टाइप ऑफ झुमके हैं। तो इनमें आपको दो कलर ऑप्शंस हैं, एक सिल्वर है एक गोल्ड है, और स्टॉक मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखा तो अगर आपको बाय करना है तो जल्दी बाय करना पड़ेगा। सो कुछ इस तरीके, और ये सिल्वर वाला तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि एक ऐसे कलर की जो झुमकीज होती हैं या फिर इयरिंग्स होते हैं बहुत ही सारे आउटफिट्स पे चलते हैं। एंड इवन यू कैन सी कि इस पे भी अगर मैं पहनती हूँ तो अच्छे से जाएगा क्योंकि इसमें ब्लू मीनाकारी का काम दिया है, बहुत स्टर्डी बहुत नीट क्लीन है, और ये भी जर्मन सिल्वर है। नेक्स्ट जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो कुछ इस तरीके के मल्टी कलर के बीड्स के इयरिंग्स हैं। सो ये थोड़े से हैंगिंग में है, सो अगर आप चाहो, और ये बहुत ही अफोर्डेबल में मिल जाएंगे आपको, अराउंड 150 और समथिंग कुछ के प्राइस रेंज के हैं ये, जिनमें इस तरह मल्टी कलर के बीड्स लगे हुए हैं। ओके नेक्स्ट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत हैवी एंड बड़े से झुमके हैं, और ये प्योर जर्मन सिल्वर है। इसमें मैं आपको तीन कलर ऑप्शन दे रही हूँ, फर्स्ट वन इज दिस गोल्ड वन जिसमें आपको व्हाइट स्टोन के साथ बड़े से झुमके एंड नीचे बीड्स मिल जाएंगे जिनमें छनक है, और ये बहुत अच्छे लगेंगे आपके सूट के साथ। अगेन ये काफ़ी बड़े और हेवी से स्टेटमेंट पीस हैं। इसमें आपको मिल जाएगा ये सिल्वर, सेम कलर में सिल्वर झुमका, और सेम कलर में आपको अगेन सिल्वर झुमका मिल रहा है बट इसमें आपको रेड कलर के स्टोन्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको तीन कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, सेम डिज़ाइन है और ये भी काफ़ी खूबसूरत है। ऑलराइट नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही एवरीडे एंड टेंटी पीस है, एंड लुक एट दैट, ये ट्रायंगल शेप में एक बहुत ही खूबसूरत डैंगलर है।
सो कुछ इस तरीके से हैं और ये भी बहुत लाइट वेट है, इनमें बिल्कुल भी वेट नहीं है. एवरीडे ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा. एंड ये मेरा बहुत फेवरेट भी है. सो इसमें जो चमक है वो बहुत अच्छी है और ये बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसी इसमें आपको दिख रही है. ओके, नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो नेकलेसेस हैं. कुछ नेकलेसेस मैंने रखे हैं इसके अंदर. सो अगर आपको नेकलेसेस पसंद है तो आप उनको बाय कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज दिस वन. I love this one. Just look at that. It's so royal and so beautiful. So इसमें भी आपको छोटे छोटे leaf tassels मिल जाएंगे. आपकी नेक कितनी भी broad है ये आपको आ जाएगा. और इस तरीके के ज्वेलरी पीसेज बहुत स्टेटमेंट होते हैं. आप साड़ी के साथ, सूट के साथ, इवन स्पेशली अगर आपने कुछ भी ज्वेलरी नहीं पहनी, नेकलेस आपका डीप नेक है, ऑफ शोल्डर है, कट स्लीव्स हैं, सो इस तरीके के स्लीव्स हैं तो ये नेकलेसेस बहुत अच्छे लगते हैं. और ये जर्मन सिल्वर है. नेक्स्ट जो है वो 3-layered नेकलेस है. एंड दिस इज सो प्रिटी, लुक एट दैट. जिसमें आपको ये ब्लू कलर की झुमकी मिल जाएंगे. पूरे में ये झुमकी है तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसका काम काफ़ी ज़्यादा हैवी है. और इसमें पूरे में झुमकी आपको मिल रही है, अराउंड 20 झुमकीज आपको यहाँ पे मिल रही हैं. और ये बहुत सुंदर लगेगा एकदम, यू नो, वाइट कुर्ती के साथ. इट विल लुक अमेजिंग अमेजिंग. सो या आई विल ट्राई कि मैं इससे मिलती जुलती कुछ इयरिंग्स भी ढूंढ लूँ. बट अदरवाइज आप इसके साथ इयरिंग्स नहीं भी पहनते हो, सिंपल छोटे से कुछ भी पहन लेते हो, तो ये स्टेटमेंट काफ़ी है पहनने के लिए. नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अगेन वो एक नेक पीस है और ये कॉइन, यू नो, कॉइन टेसल काइंड ऑफ अ नेक पीस है, जो कि बहुत अच्छा होगा, चोकर आपके लिए साबित होगा. और इसमें बहुत अच्छा डिज़ाइन, यू नो, प्रिंट दिया हुआ है, प्रिंट डिज़ाइन दिया हुआ है पीकॉक का. सो ये भी काफ़ी अच्छा है और ये एवरीडे के लिए बहुत अच्छा है. आप सूट के साथ भी बहुत अच्छे से पहन सकते हैं. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. ऑलराइट, नेक्स्ट एंड जो लास्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो एक कंप्लीट सेट है. तो ये इसका चोकर है जिसमें आपको लोटस डिज़ाइन दिखेगा. तो इसमें आपको 6 कॉइन का डिज़ाइन दिखेगा. इस तरीके से आपके ये चोकर काम आएगा, पहनोगे आप तो. और आप इसे बाजू बन के देखिए से पहन सकते हो क्योंकि ज्वेलरी हैक्स बहुत सारे होते हैं. और उसके सेम डिज़ाइन का आपको मिल रहा है ये ईयरिंग स्टर्ट. एंड ये बहुत ही एवरीडे के लिए बहुत ही परफेक्ट परफेक्ट रहेगा. आप इसको पूरा कॉम्बो के साथ भी पहन सकते हो. आप चाहो तो सिर्फ आप ये सिंगल स्टर्ट्स भी पहन सकते हो. सो कुछ इस तरीके का है ये. सो ये है मेरा लास्ट ज्वेलरी पीस. नो, लास्ट वन इज ऑल्सो आई हैव. नो, लास्ट भी है यहाँ पे. सो लास्ट जो है वो ये गोल्डन कलर के एक, यू नो, स्टर्ड इयरिंग्स हैं जिसमें आप देख सकते हो नीचे तक आपको गोल्डन कलर की मोतीज का, यू नो, झुमकीज का काम है. नो, नेक्स्ट और लास्ट जो है यहाँ पे ये वाले इयरिंग्स हैं. सो यहाँ पे आपको बड़ी सी चांद जैसा, यू नो, स्टर्ड मिल जाएगा जिसमें मल्टी कलर के स्टोन्स हैं. और उसके बाद यहाँ पे आपको छोटे छोटे से घुंघरू की चेन दिख जाएगी नीचे तक जाते हुए. ये भी बहुत ही खूबसूरत है. ये गोल्ड इन कलर में है और ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है क्योंकि ये जर्मन सिल्वर नहीं है. बट ये फिर भी मैंने काफ़ी गुड क्वालिटी का ये इयरिंग आपको मिल जाएगा और इनका वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है. सो ये है लास्ट ज्वेलरी पीस मेरे इस, यू नो, जंक एंड ऑक्सीडाइज कलेक्शन में. सो या गाइज, ये सारे ज्वेलरी पीसेज हैं मेरी वेबसाइट पे. आप अगर चेक करते हो जंक एंड ऑक्सीडाइज कलेक्शन में तो ये आपको सारे ज्वेलरी पीसेज मिल जाएंगे फॉर सच गुड प्राइस. एंड बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं है तो मेक श्योर आप जल्दी जल्दी बाय करिएगा. और या और मुझे अपना फीडबैक इंस्टाग्राम पे ज़रूर दीजिएगा. बहुत सारे मुझे फीडबैक मिले थे, अच्छा है, बुरा है, कुछ भी है, जैसा भी है, आप प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा. मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करिएगा. मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और आप shystyles.in इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर अपकमिंग अपडेट्स. वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, कौन सी ज्वेलरी पीसेस, कौन सी ड्रेस और कौन सी कॉस्मेटिक्स, सब कुछ आने वाला है. तो shystyles.in इंस्टाग्राम है मेरा हैंडल, तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. तो मेक श्योर आप वहाँ पर जरूर फॉलो करिएगा अगर आप, यू नो, फीडबैक वगैरह कुछ भी देना चाहते हैं, टैग करना चाहते हैं या आपकी कोई भी क्वेरी है उसके रिगार्डिंग. तो बाकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. और अगर आपको ये कलेक्शन, ये ज्वेलरीज पसंद आती हैं तो गिव अ बिग थम्स अप. डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. इट मींस अ लॉट टू मी. मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय गाइज़.